Assalamualaikum dear friends welcome to the next uh, video of the immunity पहले वीडियो में हमने देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है इम्यून सिस्टम क्या होता है इम्यूनोलॉजी क्या होती है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है एंड मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि फ़र्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी क्या है या जिसमें आता था एक्टिव इम्यूनिटी एंड पेशिव इम्यूनिटी एंड फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी जिसमें हमने बा, बात की थी इन्नीट इम्यूनिटी की एंड एकर्ड इम्यूनिटी की अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ इन्नीट इम्यूनिटी इन्नीट इम्यूनिटी के क्या क्या बैरियर्स है कैसे इनट इम्यूनिटी काम करते हैं पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर को हम दूसरा नाम देते हैं एनाटमिकल बैरियर फिजिकल बैरियर या एनाटमिकल बैरियर क्या होता है देखो जब हमारे बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट जब हमारे बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट एक्ट करेगा एज अ डिफेंस या एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्टर या हमारी बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट फाइट करेगा विद द पैथोजन कोई भी पैथोजन आएगा अगर हमारी बॉडी पार्ट फाइट करेगा विद दैट पैथोजन इसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर फॉर एग्जाम्पल स्किन स्किन क्या होता है स्किन एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर एंड एक्ट करता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस जब जो स्किन होता है स्किन का जो अपर लेयर होता है वो है स्ट्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटम कॉर्नियम जो बन ये जो दैट इज मेड अप ऑफ द कैरेटिनाइज़र सेल्स दैट इज मेड ऑफ द कैरेटिनाइज़र सेल्स जो ये सिट्रेटम कॉर्नीय है अपर लेयर ऑफ द स्किन ये बना होता है कैरेटिनाइज़र कैरेटिनाइज़र सेल्स जो कैरेटिनाइज़र सेल्स है ये इम्परमेबल है टू वाटर अगर वाटर भी आएगा वाटर कोई अंदर नहीं एलाउ करता है या कोई भी पैथोजन आएगा एलाउ नहीं करता है टॉक्जिन आएगा एलाउ नहीं करता है अब आप बोलेंगे कि डिजीज कैसे फिर होगी फिर कैसे अंदर बैक्टीरिया होगी देखो कभी कुबार किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है कभी कुबार किसी जगह पे इंजरी होती है या कभी कुबार हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसी टाइम ये ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं एंड ये स्किन क्या करता है एक्ट ये करता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इसका अपर पार्ट है पार वो स्ट्रेटम कॉर्ने में वो बना होता है कैराटेइज सेल्स ये इम्परमेबल है ये बैक्टीरिया वैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता है इनसाइड द बॉडी इसी तरह हमारे पास है म्यूकस म्यूकस ये आपको पता है कि कौन सिक्रीट करता है गोबलेट सेल सिक्रीट करते हैं इसको ये क्या करता है ये जो भी डस्ट पॉर्टिकल से ये ट्रैप करता है पैथोजें जो भी आते हैं ये ट्रैप करता है म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ठीक है ना वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो भी मतलब जो भी बैक्टीरिया या कोई भी मतलब फॉरन पार्टिकल अगर हमारे रेस्परेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो उसको म्यूकस अट्रैक्ट करता है एनगलफ करता है ठीक है ना ऐसी इसी तरह ये एक्ट करते फिजिकल बैरियर या नॉटमिकल बैरियर एंड दूसरा हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी पार्ट है कोई भी बॉडी पार्ट है सपोज हमारे पास सपोज़ हमारे पास सपोज हमारे पास ईयर है ठीक है ना हमारे पास ईयर है या हमारे पास स्लेवा है टंग है स्लेवा है दीज आर बॉडी पार्ट्स दीज आर द स्ले टंग है ठीक है ना टंग है ईयर है दीज आर बॉडी पार्ट्स अगर ये बॉडी पार्ट्स सिक्रीट करेंगे सिक्रीशन कुछ सिक्रीशन ये सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सिक्रीशन फॉर एग्जाम्पल ईयर ईयर में ईयर वैक्स आपको मिलेगा सिरोमेन जिसको हम कहते हैं इसी तरह माउथ uh, uh, में आपको लाइसोजाइम मिलेगा इसी तरह टीयर्स इसी तरह टीयर्स जो लैक्रिमल ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रियट करते हैं क्या टीयर्स टीयर्स में होता है लाइसोजाइम सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में जब बॉडी जब हमारे बॉडी पार्ट जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट सिक्रियट करेगा सिक्रीशन एंड वही सिक्रीशन जो है वही सिक्रीशन एक्ट करे एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्टर वही सिक्रीशन एक्ट करेगा एज अ डिफेंस एंड वही सिक्रीशन लड़ेगा किससे पैथोजन के साथ पैथोजन के साथ वही सिक्रीशन फाइट करेगा विद द पैथोजन जब कोई बॉडी पार्ट सिक्रीट करेगा सिक्रीशन फिर वो सिक्रीशन अगर फाइट करेगा विद द पैथोजन वो सिक्रीशन अगर हमारी बॉडी को बचाएगी इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर एग्जांपल हमारे स्लेवा में हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम होता है लाइसोजाइम के काम क्या, क्या होते हैं लाइसोजाइम के काम यही होती है कि वो डिजॉल्व करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बैक्टीरिया इसको मतलब दिखाई देता है वो मतलब जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये डिजॉल्व करता है जब उसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होता है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसकी डेथ होती है क्योंकि मतलब अंदर आयंस वायंस और वाटर मतलब कोई भी मतलब बैरियर नहीं रहा वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी डेथ होती है इसी तरह हमारे स्टोमक में एस सी एल है एस सी एल की काम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ़ द बैक्टीरिया जो होती है मतलब वो एसिडिक नहीं होते कुछ बैक्टीरिया एसिडिक होती है मतलब वो एसिडिक टेम्परेचर में एसिडिक पीएच में ग्रो uh, करते हैं बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक पीएच uh, में ग्रो नहीं होते हैं इसी तरह इसीलिए कि स्टोमक में एसियल इसीलिए है इसी कि ताकि वो प्रिवेंट करे ग्रोथ ऑफ़ द बैक्टीरिया ग्रोथ ऑफ़ द बैक्टीरिया इसी तरह सुरोमैन है हमारे पास ईयर में है या ईयर वैक्स है ये क्या करता है ये रिपेल करता है ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है एंड बैक्टीरिया को रिपेल करता है अब हमारे पास चौथा बैरियर है सेलुलर बैरियर सेलुलर बैरियर सेलुलर बैरियर में क्या होता है सेलुलर बैरियर में मतलब यही होता है कि जो बॉडी सेल्स अगर हमारी बॉडी सेल्स प्रोटेक्ट करेगी अगर हमारी बॉडी सेल्स प्रोटेक्ट करेगी अपनी बॉडी को फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ या अगर हमारी बॉडी सेल फाइट करेगी विद द पैथोजन विद द पैथोजन या फॉरियन पार्टिकल इसको हम कहते हैं सेलुलर बैरियर फॉर एग्ज़ाम्पल पी एम एन एल बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर इज पी एम एन एल पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स इसी तरह हमारे पास माइक्रोफेज है ये भी सेलुलर बैरियर में मतलब मिलते हैं हमें एंड अब पांचवा है साइटोकाइन 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 बैरियर साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है सपोज आपके पास कोई सेल है आपके पास कोई सेल है वायरस आया इसने इस सेल को इन्फेक्ट किया बट जिस सेल को इन्फेक्ट हुआ जो सेल इन्फेक्टेड हुई वायरस से इसके जो नेबरिंग सेल्स है ये काम करती है ये एक सिक्रीट करता है सिक्रीट करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफ्रॉन उससे क्या होता है उससे ये होता है कि जो इसके नेबरिंग सेल्स है जो इस इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड सेल जो वायरस ने इन्फेक्ट की जो इसकी नेबरिंग सेल्स है वो क्या करती है वो बचती है वो बचती है इस इन्फेक्शन से वो बचती है इस इन्फेक्शन से ठीक है ना आपने ये समझा कि अगर हमारे पास कोई सेल है ठीक है ना वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया है ये इन्फेक्ट हुई इसके कुछ नेबरिंग सेल्स होंगे तो ये इनको इन्फेक्ट नहीं करवाएगी ये इनको बचाने की कोशिश करवाएगी ये काम करती है ये सिगरेट करती है प्रोटीन इंटरफिरान इंटरफिरान क्या करती है इंटरफिरान इंटरफिरान बचा बचाता है इन नेबरिंग सेल्स को इसके नेबरिंग सेल्स को अब हमारे पास है छठा कम्प्लीमेंट सिस्टम कम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या है कम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमारा प्लाज्मा है ब्लड में जो प्लाज्मा है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स ये जो प्रोटीन्स है ये मतलब ऑटोमेटिकली अगर इनके पास कोई भी बैक्टीरिया आएगा ये किल करते ठीक है ना ये किल करते कैसे किल करते है? ये पोर्ज क्रिएट करते हैं जो मतलब इसके पास इनके पास अगर कोई बैक्टीरिया आएगा जो इनका प्लाज्मा है बैक्टीरिया का ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स इसके सेल मेम्रेन को या प्लाज्मा मेमरेन को पोर्ज क्रिएट करते हैं छोटे छोटे पोर्ज क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है जिससे अयन वाटर वाटर इसके बॉडी में चला जाता है इस बैक्टीरिया के बॉडी में चला जाता है एंड ऑटोमेटिकली लाइसिस बैक्टीरियल सेल की डेथ होती है ये था कंप्लीमेंट्री सिस्टम अब लास्ट है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स अब लास्ट है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है देखो अगर कभी कभार कभी मतलब किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है अगर कभी कभार किसी जगह पे आपको इन्फेक्शन होती है ठीक है ना आपको जब इन्फेक्शन होती है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे एक तो आपको मिलेगा रेडनेस वहाँ पे रेडनेस होती है रेडनेस अपीयर होती है एंड हीट हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे आपको इन्फेक्शन होती है ना वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा रेडनेस होती है वहाँ पे हीट मतलब uh, जनरेट होती है स्वेल स्वेलो होता है थोड़ा बहुत एंड वहाँ पे पेन भी होती है ये चार चीज़ें होती इसी रेस्पॉन्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ये किससे होता है देखो अगर कभी कभार किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है अगर कभी कभार किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है जो मास्ट सेल्स है हमारी वो सिग्रीट करती है हिस्टेमाइड हिस्टामाइड वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन होती है उस जगह पे हिस्टामिन जाता है हिस्टामिन क्या करता है हिस्टामिन रेडनेस करवाता है कॉज हीट जनरेट करवाता है स्वेलिंग एंड पेन इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के दौरान क्या होता है इस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में इसके इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के दौरान फीवर पायरोजीन्स रिलीज होते हैं बॉडी में पायरोजीन्स रिलीज़ होते हैं पायरोजीन्स क्या करते हैं ये माइल्ड माइल्ड फीवर माइल्ड फीवर कॉज करते हैं ये माइल्ड फीवर कॉज करते हैं जो पायरोजीन्स है जो ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं बट लिमिट अप अ लिमिट नॉट मतलब नॉट नॉट um, मतलब बियॉन्ड द लिमिट नॉट बियॉन्ड द लिमिट अप टू द लिमिट ये पायरोजीन्स क्या होते हैं ये पायरोजीन्स बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाते हैं सो माइल्ड फेवर उसको हम कहते हैं माइल्ड फेवर क्या करता है इससे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अट्रैक्ट वो अट्रैक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड उनकी जो ग्राउथ है वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट होती है दैट्स वाई कि जो माइल्ड फेवर है अप टू द लिमिट जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी में ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बट अगर हाई फेवर होगा तो एंटीपायरेटिक्स यू नो हमें एंटीबाटिक्स देनी चाहिए सो so, ये था आज का टॉपिक एंड अब मिलते हैं दूसरे टॉपिक में वहाँ पे हमने बात करनी है इम्यूनिटी की एंड जो फ्यूचर्स ऑफ एकेर्ड इम्यूनिटी क्या होता है इम्यूनिटी क्या होती है ठीक है ना वहाँ पे फ्यूचर्स हमें पढ़ने हैं स्पेसिलिटी पढ़नी है मेमोरी होती है इनमें एंड आफ्टर दैट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एकड इम्यूनिटी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है एंटीबॉडी बॉडी इम्यूनिटी है और उसके बाद हमें जाना है एंटीबॉडी पे एंटीजन पे एंड उसके बाद हमें जाना है वैक्सीन पे थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट तब तक के लिए खुदा हाफिज़